दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो मुझे बार बार मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि सर आप एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको क्या एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक जेनेटिक बीमारी है। दैट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। वो हर पेशेंट जानना चाहता है कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन में क्या एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा। तो दोस्तों, 90% चांसेस हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में पहुँचता है, बट सीवियरिटी कि होगी कि नहीं होगी आपकी नेक्स्ट जनरेशन में या बिल्कुल वो सिम्टम लेस रहेंगे, तो जिसके लिए आपको समझना होगा सब टाइप्स जो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होते हैं, जिसमें सबसे पहले 02, 05 और 07। अगर ये सब टाइप्स में सफ़र कर रहे हैं आप, तो चांसेस हैं कि सीवियरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपके नेक्स्ट जनरेशन में। और अगर वही 06 और 09 में सफ़र कर रहे हैं, तो सीवियरिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर आप सफ़र कर रहे हैं एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से, तो आज ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।